इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए नगर परिषद दो बार पूरे शहर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल का छिड़काव कर सकती है और तीसरे चरण में ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करना शुरू करने जा रही है। कलेक्टर साहब ने कल एक फायर और खरीदकर नगर परिषद के सपोर्ट करने का आदेश भी जारी कर दिया है। सोडियम हाइपोक्लोराइड 20 लीटर जल के अंदर 1 लीटर मिलाया जाता है और इसका छिड़काव पूरे शहरों में किया जाता है। अब तक हम 20,000 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड मंगाकर छिड़काव कर चुके हैं और कल हमारे पास 25,000 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल और कलेक्टर साहब की तरफ से प्राप्त हो गया है। पहले हम छोटी मशीनों और छोटी फायर के द्वारा छिड़काव कर रहे थे, अब हम बड़ी फायर में भी इस घोल को भरकर शहर की मुख्य सड़कों पर इसका छिड़काव कर रहे हैं जहाँ जहाँ फायर जा सकती है। हमारी नगर परिषद की टीम सभापति जी और सभी पार्षदों के साथ मिलकर पूरे शहर को सैनिटाइजेशन करने का हमने लक्ष्य लिया था। हमने पूरे शहर को दो बार सैनिटाइजेशन कर लिया है। हमारे सभी पार्षद बंधु उसमें बराबर सहयोग कर रहे हैं सैनिटाइजेशन में। और दूसरी चीज़, जो ये जो महाकर्फ्यू है, इस महाकर्फ्यू के अंदर जो गरीब लोग हैं, वास्तविक में जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है, उनको राशन सामग्री के लिए विधायक साहब ने लाखों रुपए नगर परिषद को दिए हैं। कार्यकारी एजेंसी नगर परिषद को बनवाया है और लगभग 6,000 पैकेट तैयार हो चुके हैं और उनको बांटने की तैयारी लगभग अंतिम रूप में अंतिम चरण में चल रही है। और एक भिलोड़ा शहर के लिए सुखद सूचना है कि जाजपुर विधायक गोपीचंद जी मीणा ने भी 10 लाख रुपये जिला मुख्यालय को देने का एक प्रस्ताव रखा है, तो वो शीघ्र ही जिला परिषद में अपने 10 लाख का प्रस्ताव भिजवाने वाले हैं। ये भिलवाड़ा शहर वासियों के लिए खुशखबरी है। ये हम आज शाम या कल सुबह से हम इसको चालू करेंगे और निश्चित रूप से हम अलग अलग क्षेत्रवार टीमें बनाकर इसकी तैयारी कर रहे हैं।